बुलंदशहर खुर्जा थाना क्षेत्र में फजीर की नमाज पढ़ने आए बुजुर्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार की सुबह जब बुजुर्ग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तभी हमलावर बुर्का पहनकर मस्जिद में घुस आए। इसके बाद सीधे बुजुर्ग पर फायरिंग कर दी। बुजुर्ग वहीं गिर गया और हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर SSP टीम सहित मौके पर पहुंचे और जांच की जा रही है। दुर्घटना खुर्जा नगर के शेखपेन मस्जिद का है। यहां पे इद्रिस 65 वर्ष सुबह फजर की नमाज पढ़ने आए थे। इसी समय कुछ हमलावर बुर्का पहनकर मस्जिद में घुस गए। उन्होंने इद्रिस पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग करने के बाद जब इद्रिस वहां गिर गया तो बुर्का पहने हुए लोग हवा में बंदूक लहराते हुए वहां से निकल गए। पुलिस को मौके से खोखे मिले हैं। बताया जा रहा है कि इद्रिस को सिर और सीने पे 3 गोली मारी गई हैं। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद SSP श्लोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, मौजूदा लोगों से बात करके जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि पूछताछ में पता चला है थोड़ी दूर रहने वाले सरफराज की इद्रिस से रंजिश चल रही है। घटना का CCTV भी मिला है। शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्दी घटना का खुलासा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।